नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी बहनों का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसे कि आज का ये वीडियो सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हम आपके लिए पोषण ट्रैकर ऐप की वीडियोस बनाते हैं और आप हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं कि सर कैसे इसको समाधान किया जाए, कैसे इसका हल निकाला जाए। तो जो भी आपके द्वारा क्वेश्चन किए गए हैं उन क्वेश्चन का जवाब मैं एक संडे स्पेशल कमेंट के माध्यम से आपके जो भी कमेंट से उसके डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को कम्प्लीट देखिए, क्योंकि आज के जो वीडियो है मैं आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं से बताना चाहूँगा कि आपके द्वारा जो भी कमेंट्स पूछे जाएंगे वो मैं आपको संडे कमेंट स्पेशल के माध्यम से आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। हमारा ये संडे स्पेशल कमेंट बॉक्स आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ जिसमें कि आंगनबाड़ी सेविका ने पूछा है कि पोषण ट्रैकर ऐप में अगर बच्चा ग्रे कलर में दिखा रहा है तो वो किस ग्रेड में आएगा। तो उनका जो क्वेश्चन है वो कह रही है कि जो बच्चों का हमने ग्रोथ मॉनिटरिंग किया है तो वो बच्चा ग्रे कलर में दिखा रहा है। तो मैं आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं से बताना चाहूँगा कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में जब भी ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं तो उसमें आपको पांच ही कलर देखने को मिलेंगे। जैसे कि वो कलर आपको मैं दिखा देता हूँ। पहला है हरा कलर, यानी उस बच्चे में जो कलर देखने को मिलेगा, जो बच्चा का हेल्थ स्टेटस नॉर्मल रहेगा उसमें उसका कलर दिखाएगा हरा यानी ग्रीन कलर। उसके बाद लाल कलर जो देखने को मिलता होगा, यानी सेम की कैटेगरी में जो बच्चा रहेगा उसका कलर आपको लाल देखने को मिलेगा। फिर तीसरा है मैम कैटेगरी, यानी कि जो बच्चा मैम की कैटेगरी में रहेगा उसको आपको देखने को मिलेगा पीला कलर। उसके बाद है ब्लू कलर यानी ओबीज, और लास्ट है आपको देखने को मिलेगा ब्राउन कलर यानी भूरा कलर, जिसमें कि बच्चों का जो ओवरवेट हो जाता है उस बच्चे को ब्राउन कलर से आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि आप पहचान कर सकेंगे कि वो बच्चा उसका वेट ज़्यादा हो चुका है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पांच ही कलर आपको देखने को मिलेंगे ग्रोथ मॉनिटरिंग करते समय। तो उनका जो कमेंट है ग्रे कलर में दिखा रहा है, तो ग्रे कलर नहीं होगा, वो ब्राउन कलर होगा, जिससे कि आप पहचान करेंगे कि ओवरवेट में वो बच्चा शो करेगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जो भी कलर है वो यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है जो कि मीना देवी पूछ रही हैं, वो कमेंट आप नीचे हमारी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। ये पूछ रही हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो लाभार्थी को निकालना है तो उसे कैसे निकालेंगे। तो इनके क्वेश्चन का भी जवाब देने वाला हूँ। और देखिए इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा दूँ। जैसे कि अभिलाषा रानी जो पूछ रही हैं, भैया जी एक बात बताना कि जो जो लोग मेरे एरिया से चले गए हैं तो उनको डिलीट कैसे करना है, डिलीट होने पर भी OTP मांग रहा है, डिलीट नहीं हो रहा है। और एक और क्वेश्चन है जो कि पूछ रहे हैं, ये पवन ठाकुर हैं जो पूछ रहे हैं गर्भवती जिसका गर्भपात हो गया है उसको कैसे हटाया जाए। तो आइए इन तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बताते हैं कि आपको कैसे करना है। जैसे कि अगर किसी भी लाभार्थी को आपको इस पोषण ट्रैकर ऐप से हटाना है, जैसे मान लीजिए अगर कोई गर्भवती महिला है उसको हमको हटाना है तो कैसे हटाएंगे। तो सबसे पहले हमको गर्भवती महिला का लिस्ट ओपन करना है। जैसे ही लिस्ट ओपन करेंगे आपको आपके सामने सभी लाभार्थियों का डिटेल्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट का जो ऑप्शन मिलेगा किसी भी लाभार्थी के नाम के पीछे, तो आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको माइग्रेट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखने को मिलेगा। आप माइग्रेट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 क्वेश्चन खुल के आएंगे। जैसे कि किसी कंडीशन में जो लाभार्थी है यानी गर्भवती महिला है उसका गर्भपात हो जाता है, जैसे कि सेविका पूछ रही है कि गर्भपात हो जाने पर हम उस लाभार्थी को कैसे हटाएंगे। जैसे कि किसी कंडीशन में आप हटाना चाहते हैं, और भी कंडीशन है, कुछ भी हो सकता है, जैसे लाभार्थी का गलत एंट्री कर दिए हो या फिर उसको हटाना चाहते हो, किसी भी कंडीशन में आप, तो आप वहाँ पे उसको ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद आपको डेट वगैरह कुछ नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ आपको माइग्रेट का जो ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा क्या आप वाकई में इस लाभार्थी को इस पोषण ट्रैकर ऐप से हटाना चाहते हैं। तो आपको कन्फर्म करने के लिए एक पॉपअप खुल के आएगा, तो आप उस पॉपअप पे ठीक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो वो लाभार्थी वहाँ से हट जाएगी।
तो आइए अब हम लोग स्तनपान कराने वाली महिला को पोषण ट्रैकर ऐप से किस प्रकार से हटाएंगे उसको जानते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्तनपान कराने वाली महिला की कैटेगरी को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद जिस भी आप लाभार्थी को हटाना चाहते हैं उसके साइड में यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे में देखने को मिल जाएगा। प्रोफाइल अपडेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते जाना है, नीचे आने पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि क्या लाभार्थी की मृत्यु हो गई है, यानी कि आपसे पूछेगा कि क्या लाभार्थी की मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स को हमको क्या करना है, सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट जैसे ही करेंगे तो आप वहाँ से भी उस लाभार्थी को हटा सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, उस सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे एक OTP पूछेगा, यानी कि आपने उस लाभार्थी का OTP मोबाइल नंबर डाला है तो उस लाभार्थी के मोबाइल नंबर पे भी OTP जाएगा। उसके बाद ही आप लोग वहाँ से उस लाभार्थी को उस कैटेगरी से हटा सकते हैं। और एक और तरीका है जो कि मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको हटाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि आप अपने LS मैन से संपर्क कर सकती हैं, और संपर्क करने के बाद आप उनसे बोल सकती हैं कि हमारे पोषण ट्रैकर ऐप में इस लाभार्थी को हटाना है। तो वो LS मैन क्या करेंगी, अपने डैशबोर्ड पे जाएंगी, पोषण ट्रैकर ऐप के डैशबोर्ड पे, और वहाँ पे जाके आपने जिस लाभार्थी को बताया है वो वहाँ से उसको डीएक्टिवेट कर देंगी, जिससे क्या होगा कि आपके जो भी लाभार्थी हैं आपके पोषण ट्रैकर ऐप से हट सकते हैं। तो ये भी तरीका है जिससे कि आप उस लाभार्थी को वहाँ से हटा सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पूछ रहे हैं अजीत सिंह, जो कि पूछ रहे हैं कि OTP डालने के बाद भी पीला वाला चिन्ह नहीं हट रहा है, यानी कि आप लोग जो ट्रायंगल देखते होंगे इस प्रकार का, जिसमें इस प्रकार का शो करता होगा कि जिस भी लाभार्थी का हमको आधार और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना है तो उसके लिए यहाँ पे जो ट्रायंगल दिखता होगा उसको यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आपको OTP और आधार की ज़रूरत पड़ती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब तक आप आधार वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक वहाँ से जो इस प्रकार का जो ऑप्शन है वो हट के ऐसे ग्रीन कलर वाले ऑप्शन में नहीं जाएगा। आप भले ही मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कर दिए हो लेकिन जब तक आप आधार वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक ये वाला जो ट्रायंगल है यानी येलो कलर का जो आपको देखने को मिलता होगा सभी लाभार्थियों में ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसको हटाने के लिए आपको आधार वेरीफाई करना ही पड़ेगा, तभी ये जो ट्रायंगल है वो यहाँ से हट कर यहाँ से ग्रीन वाले ऑप्शन में चला जाएगा। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जो भी आंगनवाड़ी सेविकाओं का कमेंट है मैंने यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आपको भी इस प्रकार से कोई भी समस्या आ रही है पोषण ट्रैकर ऐप को लेकर, तो आप हमारे जो भी वीडियो हैं सभी वीडियो पोषण ट्रैकर ऐप से रिलेटेड हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। उसके बावजूद भी आपके मन में कोई भी सवाल या कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, जिसका रिप्लाई मैं संडे कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारा ये वीडियो सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।